अगर आप तथ्यों की बात करें, राजनीति की बात तो एक अलग है, मगर तथ्य आप भी जानते हैं और हर मीडिया चैनल जानता है, क्योंकि हर चैनल नोएडा में है, कि जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियां दिल्ली वाले चलाते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियां गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं, ये बात सब समझते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से डीजल जनरेटर बैन है, आप सब देख सकते हैं। और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, सब जगह ज़्यादातर बिजली जो है जनरेटरों से आती है और डीजल जनरेटर से आती है। दिल्ली के अंदर ईंट के भट्टे बैन है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन है, हमारे थर्मल पावर प्लांट वर्षों से बैन है। और जो आसपास के राज्य हैं, क्या उन्होंने थर्मल पावर प्लांट बैन किए? नहीं किए। हरियाणा में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री दोनों में चल रही है। दिल्ली में CNG बसें हैं और अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। क्या UP ने इलेक्ट्रिक बसें ले आए? क्या हरियाणा इलेक्ट्रिक बस ले आया? ले। तो ये बार बार ये कहना कि दिल्ली वाले जो है ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है, इसको बदलना चाहिए। और अगर सब राज्य और केंद्र सरकार मिलके काम करेगी तो ही आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। वरना आप ये कहें कि साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है, ये तो एक मजाक की बात है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, भारत के नक्शे पे आपको दिल्ली ढूंढने से भी नहीं मिलती है। दिल्ली जैसी छोटी सी सरकार, इतने छोटे से राज्य को चलाने वाली सरकार क्या ऐसा कर दे कि पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण कम हो जाए? हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हमारे यहाँ आप देख सकते हैं दिन रात जो है छिड़काव की जाती है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन हो चुकी है, जितने भी पब्लिक व्हीकल हैं या तो वो CNG पे हैं या आप ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल पे कन्वर्ट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर हैं। ग्रैप भी सिर्फ दिल्ली के अंदर ही लागू होता है, हालांकि लागू हर आसपास के राज्य में होना चाहिए, मगर ग्रैप भी आज भी डीजल के जनरेटर जो है ज्यादातर हाउसिंग कॉलोनियों में चल रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो दिल्ली सरकार ही कर रही है जो कर रही है, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं। पंजाब में पराली का इशू।